नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीट्यूड फार्मिंग में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे मक्का के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा एक एकड़ वाला फार्म है और 3 अप्रैल 2022 को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें कि प्रभात सीड्स का नवाब जो मक्का आती है वो लगाई थी हमने। ये देखें सामने हमारा जो है ट्यूबवेल, ये आपको दिख रहा है। इस खेत में जो हमने एक एकड़ वाले में नवाब जो है मक्का वो लगाई थी और अभी जो है 3 अप्रैल 2022 को लगाई थी और आज दिनांक जो है 23 जून 2022 है। आज पूरे 80 दिन हो चुके हैं और भुंडा तैयार हो चुका है। और दूसरा जो 2 एकड़ का जो फार्म है, खेत है, इसमें हमने लगाया था पानीयर का मक्का। तो अभी जो है आज पहले इसका तुड़ाव हो रहा है, उसके बाद कल से जो है इसका तुड़ाव होगा और तुड़ाव होने के बाद इसकी क्या पैदावार रहती है उसके बारे में हम एक सर्वे कर रहे हैं। सर्वे के बाद हम आपको बताएंगे कि इसकी पैदावार क्या रहती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो है मक्का की तुड़ाई हमने इसमें स्टार्ट कर दी है और मक्का तोड़ तोड़ के जो है इस तरीके से भुंडों को डालते जा रहे हैं। ये भुंडा जो है निकाल के इस खेत से और इसको बाहर धूप में डाल दिया जाएगा ऐसे ही। और जो मशीन आती हैं आजकल इस भुंडे के साथ में, इस भुंडे को जो है पूरा ऐसे ही डाल दिया जाता है, वो छील के अपने आप दानों को निकाल देती है। तो अगर इसकी पैदावार की बात की जाए तो अभी इसका कोई आंकड़ा नहीं लग पा रहा है, लेकिन भुंडे का साइज़ जो है इसका नवाब कंपनी का जो ये भुंडा है इसका साइज़ जो है पानीयर के मुकाबले थोड़ा बहुत छोटा है। तो इसका हम आंकड़ा करेंगे, एक कांटा लेके इसके 10 भुंडे लेंगे और दूसरा पानीयर वाला दूसरा जो फार्म है इसके 10 भुंडे लेंगे, दोनों का वजन करेंगे। उसके बाद आंकड़ा लग जाएगा कि किसके भुंडे में ज़्यादा वजन आ रहा है। जिसके भुंडे में ज़्यादा वजन आ रहा है उसकी पैदावार ज़्यादा होगी। हम इस तरीके की प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारा समय देते हैं, एक एक वीडियो बनाने के लिए हमें 2-2, 3-3 महीने लग जाते हैं। मकसद सिर्फ यही है कि किस कंपनी की दवाई, किस कंपनी का बीज अच्छा मुनाफा देता है किसान के लिए, जिससे कि फ़ायदा हो सकता हो। तो इसी तरीके की जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमसे जुड़ें और अच्छी अच्छी जानकारी हमसे लें। धन्यवाद। यहाँ पर मक्का की तुड़ाई करने का जो सिस्टम है वो इस तरीके से है कि ऊपर से भुंडा को तोड़ के थोड़ी सी जगह बना ली जाती है, पेड़ तोड़ दिए जाते हैं मक्के के और जो है भुंडा नीचे डाल दिया जाता है। बाद में क्या होगा कि ये जो चारा बचेगा, इस चारे को हम हैरों से इसी खेत में जो है जोत देंगे, जिससे क्या होगा हरा चारा जो है खाद के रूप में बदल जाएगा, जिससे खेत में खाद की मात्रा जो है वो पूरी हो जाएगी और हमारी मक्का निकल के बाहर भी हो जाएगी। भुंडा जो है कुछ इस तरीके से तोड़ते हैं, ये देखें आप तोड़ तोड़ के भुंडा और यहाँ पर जमा कर रहे हैं, ये देखें। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने फार्म वन और टू की मक्का यहाँ पर लगा रखी है। अभी हम क्या करेंगे कि फार्म वन की मक्का अलग करेंगे और फार्म टू की मक्का अलग करेंगे। अभी हमने जो है फार्म वन की मक्का जो है यहाँ पर निकलवानी स्टार्ट कर दी है और ये सब वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, इतनी लंबी वीडियो कोई भी यूट्यूबर नहीं बनाता है। मैं तो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, एक प्रयोग कर रहा हूँ जिसमें ये पता चल जाए कि किसान को क्या पैदावार मिलती है किस मक्का से। यहाँ पर हमने 2 कंपनियों की मक्का लगाई हुई है, प्रभात सीड्स का नवाब भी लगाया हुआ है और दूसरी वेराइटी जो लगाई है वो पानीयर का 1899 लगाया है। लेकिन जो मुझे आंकड़े लग रहे हैं वो ये लग रहे हैं कि प्रभात सीड्स का जो नवाब है उसका भुंडा छोटा था, उसके अंदर दाने जो थे वो कम थे और जो पानीयर का नवाब यहाँ सॉरी जो पानीयर की 1899 जो मक्का के अंदर दाने ज़्यादा थे वो भारी से जो मक्का बाहर आ रही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक ट्राली के अंदर भर गई है, भरते जा रहे हैं और उसको वहीं खेत में फील्ड में बना रखा है, लेबलिंग डाल रहे हैं और वहीं पर यहाँ पर सुखा रहे हैं, सुखाने के बाद जा रहे हैं हम इसको और दोनों ही अभी जो है ट्राली भरेंगे, पाल मंडी लेके जाएंगे, उस पर सुखाएंगे और सुखाने के बाद हम जो मक्का है उसका यहाँ पर जो मक्का है वो ये नवाब कंपनी का प्रभात सीड्स का जो नवाब था अब वो हमने यहाँ पर लेके आए हैं भर के। हम मक्का सूख चुकी है और यहाँ पर आके हमने कट्टे लगाने स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पर जो है हम ये कट्टे की लाइन लगाते जा रहे हैं, कट्टों में हमने भर रखा है और यहाँ पर हम उसका वेट भी करेंगे कि एक कट्टे में कितना वजन आ रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल कट्टे हैं वो 47 हैं, 47 कट्टे हैं 6 बीघे मक्के में, प्रभात सीड्स का नवाब है और इसमें वजन जो आ रहा है वो 52 किलो आ रहा है, किसी में 55 किलो आ रहा है। तो इसका ऑल ओवर जो वज़न बन रहा है वो लगभग 25 क्विंटल बन रहा है, मतलब 5-6 बीघा खेत में इसका जो वज़न है वो 25 क्विंटल का आ रहा है। उसके कांटे की स्लिप भी है मेरे पास, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पर आप कट्टे गिन सकते हैं, एक लाइन देख लीजिएगा आप कितनी लाइन है, उसमें टोटल जो कट्टे हैं वो 47 हैं।
47 कट्टे यहाँ पर प्रभास सीड्स के आ चुके हैं। और अभी हमारी जो दूसरी कंपनी की मक्का है वो हमारी सूख रही है, कुछ बची हुई है वो सूख रही है, उसको हम अलग आप देख सकते हैं। प्रभास सीड्स का जो नवाब था उसको हमने निकाल के ट्राली में भर लिया है, और ट्राली में 47 कट्टे जो थे, 47 कट्टे थे 6 बीघा खेत में, वो हमने ट्राली के ऊपर लगा रखे हैं। इसका कांटा जो है, हम 47 कट्टे हैं, इसका कांटा हम अलग करेंगे। उसका वजन जो है वो 25 कुंटल 80 किलो आ रहा है। ये 6 बीघा खेत की मक्का है, और दूसरी जो 2 एकड़ में मक्का थी उसका वजन आ रहा है वो ये आ रहा है 46.35, मतलब 46 कुंटल। और तीसरी स्लिप है उसका वजन आ रहा है 27 कुंटल 10 किलो। अब टोटल मक्का का वजन जो आ रहा है वो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो नवाब कंपनी की मक्का थी, प्रभास सीड्स का नवाब था, उसका वजन जो है 25.80 आ रहा है। 1 एकड़ मक्का थी, इसका अगर 1 बीघे का वजन लगाते हैं तो 4 कुंटल 30 किलो पर बीघा इसका वजन आ रहा है, जो कि बहुत ही कम है। अब यहीं पर तुलना करते हैं अगर पानीर 1899 से, तो पानीर 1899 की पहली पर्ची का जो वजन है 27 कुंटल 10 किलो है, दूसरी ट्राली का जो वजन आ रहा है 46 कुंटल 35 किलो आ रहा है। अब यहाँ पर टोटल वजन जो हो रहा है 73 कुंटल 45 किलो हो रहा है, और जो 1 बीघे का वजन आ रहा है वो 6 कुंटल, यहाँ पर 1 बीघे का जो वजन आ रहा है वो 6 कुंटल 12 किलो आ रहा है। अगर दोनों का कंपेयर किया जाए तो लगभग 2 कुंटल बीघा की पैदावार में अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है।